बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने जो अल्फाज करने हैं उनमें दो अल्फाज का ज़िक्र है, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो तकरीबन एक जैसा है। पहला वर्ड है व्यूअर्स वॉन्ट और दूसरा है नीड। वॉन्ट चाहना, नीड ज़रूरत होना। अब ये अल्फाज व्यूअर्स जब इस्तेमाल होते हैं, जब हम इस तरह की बात करें कि आज मुझे जल्दी सोने की ज़रूरत है, ठीक है जी, या फिर क्या चीज़ जल्दी ठीक होना चाहती है, तो इस तरह के जुमलों में हम क्या करते हैं व्यूअर्स, वॉन्ट और नीड के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वॉन्ट और नीड के साथ हम व्यूअर्स क्या करते हैं जी, जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। जेरंड बेसिकली व्यूअर्स क्या होता है, जेरंड वर्बल नाउन होता है, और इंशाल्लाह अनकरीब इसका लेक्चर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जेरंड के ऊपर मुकम्मल एक लेक्चर होगा कि जेरंड क्या होता है, लेकिन आज जो है हम उसके बारे में मामूली सी डिस्कशन करेंगे कि जेरंड क्या होता है, लेकिन इसका कंप्लीट लेक्चर जो है व्यूअर्स इंशाल्लाह अनकरीब आप ज़रूर उसे देख पाएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। तो जैसे कि व्यूअर्स, मैंने आप लोगों के सामने दो वर्ड रखे, एक था व्यूअर्स वॉन्ट और दूसरा था जी नीड। तो व्यूअर्स, वॉन्ट चाहना, नीड ज़रूरत होना, और इसके साथ हमने क्या करना होता है जी, जेरंड का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा व्यूअर्स, जेरंड क्या है, जेरंड बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कहा जाता है। जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा व्यूअर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता तो वर्ब का हिस्सा है, लेकिन जब ये जेरंड बन जाता है तो ये वर्बल नाउन बन जाता है, यानी कि है वर्ब लेकिन नाउन के तौर पर परफॉर्म करता है। तो जेरंड जो है ये आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, और मैंने आपको बताया कि वांट चाहना, नीड ज़रूरत होना। तो इसकी अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं, तो आपको इन अल्फाज का दुरुस्त जो है इस्तेमाल वो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली एग्जांपल है व्यूअर्स, आपका दिमाग ठीक होने वाला है। अक्सर हम एक दूसरे को जब हम थोड़े से गुस्से में हों तो हम यही कहते हैं कि आपका दिमाग ठीक होने वाला है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नीड ज़रूरत, यानी कि इनडायरेक्टली इसका क्या मीनिंग बन रहा है, आपके दिमाग को ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक हो गया व्यूअर्स जी, आपका दिमाग ठीक होने वाला है, या आप यूं कह सकते हैं आपके दिमाग को ठीक होने की ज़रूरत है। यस, योर माइंड नीड्स रिपेयरिंग। योर माइंड नीड्स रिपेयरिंग। जी व्यूअर्स, अब आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें मुलाहिज़ा करनी है। पूरे जुमले में आपने देखा कि हमने नीड का इस्तेमाल किया, जैसे कि आपके दिमाग को ठीक होने की ज़रूरत है, हमने नीड इस्तेमाल किया। अब चूंकि ये इनडेफिनेट जुमला है, इनडेफिनेट जुमले में अगर सिंगुलर चीज़ हो तो व्यूअर्स हम क्या करते हैं, एस और ई एस का इजाफा करते हैं, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से नीड्स इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने आपको व्यूअर्स बताया था कि हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं, और जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये देखें रिपेयरिंग, तो हमने यहाँ पर व्यूअर्स क्या किया जी, जेरंड का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये इसकी पहली एग्जाम्पल थी।
अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी मोटरसाइकिल को तेल मिलने वाला है, बाइक में इंजन ऑयल डलता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल को तेल मिलने वाला है, यानी इंजन ऑयल की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे जी, माई मोटर बाइक नीड्स ऑयलिंग, माई मोटर बाइक नीड्स ऑयलिंग। तो व्यूअर्स, इसमें भी हमने क्या किया जी, नीड के साथ एस और एस का इजाफा क्यों किया कि हमारा ये इंडेफिनेट का जुमला है, सिंगुलर है, उसके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं। और लास्ट पे हमने क्या किया व्यूअर्स, जेरंड का इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारी अगली एग्जांपल है जी, आपके कपड़े धुलने वाले हो गए हैं, यानी कि आपके कपड़ों को धुलने की ज़रूरत है जी। योर क्लॉथ्स नीड वॉशिंग, योर क्लॉथ्स नीड वॉशिंग। तो व्यूअर्स, इसमें अब थोड़ी सी तब्दीली ये आई कि हमारा जो सब्जेक्ट है व्यूअर्स, ये प्लूरल था, तो प्लूरल होने की वजह से हमने सिंपल नीड लिखा, एस का इजाफा नहीं किया, और आखिर में हमने एज यूजुअल जेरंड का इस्तेमाल किया। अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। अगली एग्जांपल है, मेरे घर में सफेदी होने वाली हो गई है, मतलब मेरे घर में सफेदी होना की ज़रूरत है जी। माई हाउस नीड्स वाइट वॉशिंग, माई हाउस नीड्स वाइट वॉशिंग। तो व्यूअर्स, इसमें हमने क्या किया जी, वही प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था, उसके साथ हमने एस और एस का इजाफा किया इस हमारे वर्ड के साथ, और आखिर में हमने क्या किया जी, जेरंड इस्तेमाल किया। वाइट वॉश की जो जेरंड बनता है वो वाइट वॉशिंग। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जी। आपको बस मार पड़ने वाली हुई है, मतलब आपको मार पड़ने की ज़रूरत है। अक्सर बच्चे शरारत कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स असातज़ा कराम क्या कहते हैं जी, आपको तो मार पड़ने की ज़रूरत है जी। यू जस्ट नीड बीटिंग, यू जस्ट नीड बीटिंग। तो व्यूअर्स, इसमें भी आपने देखा कि नीड क्यों आया, यू की वजह से, सेकंड पर्सन, इसलिए हमने नीड का इस्तेमाल किया, और आखिर में हम क्या कर रहे हैं जी, जेरंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे व्यूअर्स के जैसे ही जुमले में इस तरह की कॉन्टेक्स्ट बने के आपको ऐसे लगे कि ये जुमला ये जाहिर कर रहा है कि आपको इस काम को करने की ज़रूरत है, ये काम होने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, नीड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स अब हम वांट की भी कर लेते हैं व्यूअर्स, जैसा कि कौन सीधा होने वाला है, हु वांट्स स्कूलिंग, हु वांट्स स्कूलिंग जी व्यूअर्स। अब आप देखें कि हमने इसमें वॉन्ट यानी कि कौन सीधा होना चाहता है, तो इनडायरेक्टली व्यूअर्स आपको जुमले में इस चीज़ को समझना है कि जब आपका जुमला ये जाहिर कर रहा हो कि इस काम को करने की ज़रूरत है या ये काम होना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, नीड और वॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैं एग्जांपल व्यूअर्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बज़ाहिर आपको ऐसे लगता है, और ये हमारी कन्वर्सेशन में होता है, तो अगर हमें इन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोलना हो या लिखना हो तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसे किस सेंस में लिखें। तो व्यूअर्स, इस तरह के जब जुमले जिसमें आपको लगे कि किसी काम के करने की ज़रूरत पड़ रही है या कोई काम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं व्यूअर्स, नीड और वॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम बात कि नीड और वॉन्ट के बाद हमने जेरंड का इस्तेमाल करना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं वॉन्ट की, इसकी अच्छी पॉलिश होने वाली है, फर्नीचर है तो हम उसका कह देते हैं जी, इसकी अच्छी पॉलिश होने वाली है, यस इट वॉन्ट्स पॉलिशिंग येट, इट वॉन्ट्स
पॉलिशिंग येट। तो व्यूअर्स आप देखें कि हमने इसमें वॉन्ट को इस्तेमाल किया, इट सब्जेक्ट की वजह से एस और ईएस का इजाफा हुआ और उसके बाद हमने क्या किया व्यूअर्स, जेरन का इस्तेमाल किया। तो ये था व्यूअर्स वॉन्ट और नीड का इस्तेमाल जिसके बाद हम जेरन को लेकर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब हमारा वक्त हुआ चाहता है टेस्ट योर नॉलेज का, तो कुछ एग्जांपल्स व्यूअर्स आप लोगों को मैं दूंगा जिसे आपने सोल्व करना है इन पैटर्न के मुताबिक, यानी वांट और नीड के बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे हम जेरंड कहते हैं आप इस्तेमाल करेंगे और फिर वो आपने मुझे कमेंट में सेंड करने हैं। आपको पता लगे कि आपको कितनी समझ आई है और मैं देख सकूँ कि मैं आपको कितना अच्छा समझा सका हूँ। तो व्यूअर्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपने खुद से सॉल्व करना है। नंबर वन, आपको नहाने की ज़रूरत है। नंबर दो, सालन अभी गर्म होने वाला है। नंबर तीन, मशीन की सफाई होना बाकी है। नंबर चार, फर्श धोने वाला हो गया है। और व्यूअर्स नंबर पाँच में मैंने आपको वर्ब दे दिया है, आपने उसका एक जुमला बनाना है एज़ पर वॉन्ट एंड नीड, ठीक है जी, मतलब जिसमें वॉन्ट और नीड का इस्तेमाल हो किसके साथ, जेरन के साथ, ठीक है जी। फिकर करना जैसे कि केयर, उसके बाद पिंजरा जिसे के कहते हैं केज, और आखिरी है तराशना जिसे कहते हैं क्रेव। तो इन तीनों को आपने व्यूअर्स पहले एक जुमला बनाना है और उसके बाद जिसमें जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये बने कि या तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर ये चीज़ चाही जा रही है, ठीक है जी। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के फिक्र की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।